हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं और 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार एक साथ दो शेड्यूल आए हैं, दो नोटिस आई है और केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट भी आई है जहाँ पर बाल वाटिका के एडमिशन होने हैं। तो इस बार क्लास 1 के साथ बाल वाटिका के भी ही एडमिशन हो रहे हैं और इस वीडियो में मैं बाल वाटिका के लिए ही जानकारी लेकर आया हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि बाल वाटिका में कब एडमिशन होंगे, कहाँ एडमिशन होंगे, किस किस केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन होंगे, कहाँ बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे और कहाँ बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे, क्या बाल वाटिका 2 में भी एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं एक नोटिस खोला हूँ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया है और यह नोटिस 2024-25 के लिए है। इसके पहले नंबर पॉइंट में आप देखेंगे तो बाल वाटिका 1 इन सिलेक्टेड 50 के बी एंड 3 इन सिलेक्टेड 4-4-5 के बीच एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑफलाइन मोड। तो बता रहे हैं कि बाल वाटिका 1 का एडमिशन सिलेक्टेड 50 के वी में और बाल वाटिका 3 का एडमिशन सिलेक्टेड 445 के वी में ऑफलाइन मोड में होगा। तो जैसे आपको पहले से भी पता है, मैं वीडियोज के माध्यम से आप लोग को बता भी रहा था कि 50 ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां बाल वाटिका 1, 2, 3 की क्लास चलती है और 450 ऐसे केंद्रीय विद्यालय थे जिनमें बाल वाटिका 3 के पिछले साल एडमिशन हुए थे। लेकिन 5 केंद्रीय विद्यालय में कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी की वजह से यहाँ 5 केंद्रीय विद्यालय फंक्शन नहीं कर रहे हैं, केवल 445 केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका 3 के लिए फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए इस साल भी 445 केंद्रीय विद्यालय में ही बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। इसकी लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे और कहाँ कहाँ बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे। आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन विल कमेंस एट 10 AM ऑन 1/4/2024 मंडे एंड विल क्लोज एट 5 PM ऑन 15/4/2024 ऑन मंडे। तो बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं वह 1 अप्रैल 2024 को 10 बजे सुबह से शुरू होंगे जो कि मंडे का दिन रहेगा और 15 अप्रैल 2024 को 5 बजे तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन इन बाल वाटिका 2 एंड 3 इन सिलेक्टेड 50 के वीज विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ वैकेंसी एग्जिस्ट इन द कंसर्न के वी। तो बोल रहे हैं कि बाल वाटिका 2 एंड 3 का एडमिशन केवल उन्हीं सिलेक्टेड 50 केंद्रीय विद्यालय में होगा जिनमें बाल वाटिका 1, 2, 3 की क्लासें चल रही हैं और ये एडमिशन तभी होगा जब उनके यहाँ सीट खाली होगी। ऐसी जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन होते हैं तो बाल वाटिका 1 वाला बच्चा बाल वाटिका 2 में जाता है, बाल वाटिका 2 वाला बाल वाटिका 3 में जाता है और बाल वाटिका 3 वाला क्लास 1 में जाता है। तो ऐसे में जहाँ बाल वाटिका 1, 2 एंड 3 है वहाँ केवल बाल वाटिका 1 की पूरी सीट खाली मिलेगी, बाकी बच्चे प्रमोट होके जाएंगे और सीट खाली नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि बाल वाटिका 2 एंड 3 के लिए उतने सीट पर ही एडमिशन होंगे जितनी किसी कारणवश से खाली रह जाएगी, अन्यथा एडमिशन नहीं होंगे। दो नंबर पर चलते हैं, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका 1 विल बी 3 इयर्स, रिकॉग्निंग ऑफ एज फॉर ऑल बाल वाटिका क्लासेस शैल बी एज ऑन 31/3/2024, चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसीडर। तो जैसा होता है कि 31 मार्च 2024 को ही एज काउंट की जाती है और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल के जन्मे बच्चे को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया है और यहाँ आपको एज का एक चार्ट भी दिया गया है, इसमें एज बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि बाल वाटिका 1 के लिए 3 इयर्स बट लेस देन 4 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल से 5 साल बीच की उम्र होनी चाहिए, बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल से 6 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। यहाँ कुछ नोट भी दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाई 2 इयर्स इन केस ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड बाई द प्रिंसिपल। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको 2 साल की छूट प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है। एडमिशन विल बी गिवन एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन नाम एज मेंशन इन एडमिशन गाइडलाइन 2024-25। एडमिशन प्रायोरिटी कैटेगरी और रिजर्वेशन के अनुसार दिए जाएंगे जैसा कि एडमिशन गाइडलाइन 24-25 में बताया गया है। तो जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोज के माध्यम से बताया हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी और रिजर्वेशन एक साथ चलते रहते हैं, तो यहाँ भी वही बताया गया है, प्रायोरिटी कैटेगरी और रिजर्वेशन को एक साथ लेकर ही एडमिशन दिए जाएंगे। एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनिंग बाई द केवी। अगर आप फॉर्म में कोई गलत जानकारी देंगे या मिसलीडिंग जानकारी देंगे तो आपका फॉर्म जब
चेक होगा, अगर उसमें ऐसा पाया जाता है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। आपको प्रिंसिपल या एडमिशन इंचार्ज से तभी मिलना है जब वह आपको मिलने के लिए बुलाएं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है और सभी से मिलना संभव नहीं होता है। तो ये जानकारी थी बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ मैं आपको एडमिशन शेड्यूल दिखा देता हूँ। बालवाटिका का जो एडमिशन शेड्यूल आया है ये देख लीजिए, ये बालवाटिका का एडमिशन शेड्यूल है जिसके अनुसार बताया गया है कि लेटेस्ट 31 मार्च तक प्रवेश के लिए विज्ञापन निकाल देना है और 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे बालवाटिका 1, बालवाटिका 2, बालवाटिका 3 के लिए, और ये फॉर्म केवल चयनित केंद्रीय विद्यालयों में भरे जाएंगे जिसकी लिस्ट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से बालवाटिका 1, 2, 3 के लिए जो लास्ट डेट है वह 15 अप्रैल है, और इसी तरीके से फर्स्ट लिस्ट जो आएगी 19 अप्रैल को आएगी, फिर जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 29 अप्रैल को आएगी, और जो थर्ड लिस्ट है वो 8 मई को आएगी। यहाँ एक तरीका भी बताया गया है कि सीटें कैसे भरी जाएंगी। सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित को बुलाया जाएगा, फिर सेवा श्रेणी वरीयता क्रम यानी सर्विस कैटेगरी 1 और सर्विस कैटेगरी 2 को, उसके बाद आरक्षित वर्ग की सीट भरी जाएगी। फिर यहाँ बताया गया है कि अगर इसके बाद भी आरक्षित वर्ग की कोई सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए सेकंड नोटिस आएगी जो 5 मई को आएगी, और फॉर्म 8 मई से 15 मई के बीच भरे जा सकेंगे। उसके बाद 22 मई को इसका लिस्ट आ जाएगी और 22 से 27 के बीच में ही एडमिशन लेना है। ये तब होता है जब आरक्षित वर्ग की सीट खाली रह जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, केवल SC या ST में कभी कभी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। और बालवाटिका में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है यानी पूरी प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट करने की जो अंतिम तिथि है वह 29 जून 2024 है, यानी 29 जून 2024 के पहले पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची, उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य किया गया है और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय इसे टाइम से अपडेट नहीं करते थे। और इसी के साथ यहाँ बताया गया है कि अगर पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि या अंतिम तिथि के दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार होगा, यानी अगला डे को भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये हो गया शेड्यूल। अब हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके केंद्रीय विद्यालय में क्या बालवाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं या बालवाटिका 1 के एडमिशन हो रहे हैं। चलिए हम वह लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही जारी की है, और यहाँ 445 केवी की लिस्ट दी गई है जहाँ बालवाटिका 3 की क्लासें चल रही हैं। तो ये रीजन वाइज है, यहाँ स्टेट को भी बताया गया है और केंद्रीय विद्यालय का कोड भी दिया गया है और यहाँ उसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले ए से शुरू है यानी आगरा रीजन का, तो आप देख सकते हैं आगरा रीजन उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ इतने केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका 3 की क्लास चल रही है। उसके बाद अहमदाबाद रीजन आ गया जो गुजरात का है और यहाँ भी इतने सारे केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका 3 की क्लास चल रही है। फिर बंगलोर रीजन आ गया जो कर्नाटका का है, इसी तरीके से भोपाल रीजन मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर रीजन उड़ीसा, चंडीगढ़ रीजन पंजाब, चेन्नई रीजन तमिलनाडु, देहरादून रीजन उत्तराखंड, दिल्ली रीजन दिल्ली, एर्नाकुलम रीजन केरला, गुरुग्राम रीजन हरियाणा और गुरुग्राम रीजन ही हिमाचल प्रदेश, फिर गुवाहाटी रीजन आसाम, हैदराबाद रीजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जबलपुर रीजन मध्य प्रदेश, जयपुर रीजन राजस्थान, जम्मू रीजन जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता रीजन वेस्ट बंगाल, लखनऊ रीजन उत्तर प्रदेश, मुंबई रीजन महाराष्ट्र, पटना रीजन बिहार, रायपुर रीजन छत्तीसगढ़, रांची रीजन झारखंड, सिलचर रीजन मिजोरम, तिनसुकिया रीजन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वाराणसी रीजन उत्तर प्रदेश। इतने सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें बालवाटिका 3 के एडमिशन होंगे। ये एडमिशन ऑफलाइन मोड्स में होने हैं, इसलिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम देख लीजिए। मैं इसमें किसी केंद्रीय विद्यालय का नाम नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आपको अगर अपना केंद्रीय विद्यालय इसमें देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम। साथ ही साथ आप अपने केंद्रीय विद्यालय का कोड भी नोट कर लीजिए और आप अपने केंद्रीय विद्यालय से फॉर्म लेकर, फॉर्म भरकर उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जमा करना है केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर।
क्योंकि यह फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं और आपको ऑफलाइन अच्छे से भर के देना है, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट आपको शुरू में ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर्म के साथ ही डॉक्यूमेंट लगा कर देना है। अब हम यहाँ एक लिस्ट दिखाएंगे जो 50 केंद्रीय विद्यालय का है, जहाँ पर बालवाटिका 1, 2 और 3 की क्लास चल रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट ऑफ 50 के बीच वेयर बालवाटिका 1, 2, 3 आर फंक्शनिंग। तो ये उन केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट है जहाँ बालवाटिका 1 के एडमिशन होंगे। यहाँ केवल बालवाटिका 1 और क्लास 1 के ही एडमिशन होंगे, क्योंकि यहाँ बालवाटिका 2 और 3 में बच्चे प्रमोट होकर जा रहे हैं, वहाँ एक दो सीट में एडमिशन हो सकते हैं। यहाँ बालवाटिका 2 और 3 में एक दो एडमिशन हो सकते हैं, या जितनी सीट खाली रहेगी उतने ही एडमिशन होंगे, लेकिन ज़्यादा एडमिशन नहीं होंगे। यहाँ बालवाटिका 1 में पूरे एडमिशन होंगे, यानी एक सेक्शन का पूरा एडमिशन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आगरा में 2 केंद्रीय विद्यालय है, अहमदाबाद में 1 केंद्रीय विद्यालय है। ऐसे 50 केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट है जहाँ पर बालवाटिका 1 के एडमिशन होने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसमें से अपना केंद्रीय विद्यालय ढूंढकर इसका कुछ लाभ लेंगे और अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराएंगे। अभी मैं गाइडलाइन को पढ़ रहा हूं और गाइडलाइन में जितने भी चेंज हुए हैं, जितनी नई जानकारी है, उसे मैं लेकर आऊंगा वीडियोस के माध्यम से। तो आप हमारा चैनल देखते रहें, हम और भी वीडियो लाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।